हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर नया ग्वालियर, हमारा ग्वालियर बदलता हुआ ग्वालियर। मेरे भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सफर निरंतर चलती चाहिए कि नहीं? अरे चलनी चाहिए कि नहीं? और जिन लोगों ने हमारे क्षेत्र की विकास और प्रगति में गति अवरोधक के नाम पे काम का किया था, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, क्या एक बूटी कौड़ी मिली है हम लोगों को? क्या एक योजना मिली? और अगर आप कोरोना काल को निकाल लो तो शिवराज सिंह जी की सरकार को भी केवल 15 महीने मिले हैं, और उस 15 महीनों में 500 करोड़ का एयरपोर्ट, उस 15 महीने में 4.5 करोड़ का रेलवे स्टेशन, उस 15 महीने में 500 करोड़ रुपए का 1000 बिस्तर का अस्पताल, उस 15 महीने में 165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, उस 15 महीने में 25 करोड़ का हजीरा का अस्पताल, उस 15 महीने में 22 करोड़ का मुरार का अस्पताल, उस 15 महीने के अंदर 1300 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड, उस 15 महीने के अंदर ग्वालियर के लिए जो आज शिलान्यास हम करने जा रहे हैं, चंबल से पानी मैं लाऊंगा, मैंने आपको 2018 में किया था, जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने नहीं होने दिया, वो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी ने आज करा दिया। मेरे भाइयों, आज आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया। अरे बोलो, ठीक किया कि नहीं किया? मैंने ठीक किया।